Assalamu alaikum, dear students. In the last lecture, we studied what is Boat mask and how to solve the long term equation by using the rule Boat mask. Today, we solve the question number 3 of exercise 2.2, which is the correct way of finding the value of 38 into 83 power 9. ब्रैकेट आपको मल्टीप्लिकेशन ही शो करता है. अगर किसी दो टर्म्स के बीच में अगर ब्रैकेट आ रहा है तो वो यही बता रहा है कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस गिवन है, जिसके अंदर से आपको राइट वन चूज करना है. फर्स्ट वन इज़ वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83 एंड देन फाइंड द नाइन्थ पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज़ वी फर्स्ट फाइंड द नाइन्थ पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38. तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आप इसके ऊपर बोट मास रूल अप्लाई करोगे. बोट मास रूल क्या कहता था कि आप सबसे पहले पावर सॉरी ब्रैकेट्स सॉल्व करोगे एंड देन पावर. तो इसमें सबसे पहले आप 83 की पावर लोगे, क्योंकि 83 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83, यानी आप सबसे पहले पावर सॉल्व नहीं करें, पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन नाइन्थ पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट. जब मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नंबर वैल्यू आए उसकी नाइन्थ पावर लें. फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है. तो राइट वन करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, वी फर्स्ट फाइंड द नाइन्थ पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 83. अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जस्ट आप ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करोगे जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, और सिर्फ आपको एक टिक लगाना है इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करते हुए. आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.